तो हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इस चैनल पे, जिसमें हम लोग उन लोगों को फीचर करेंगे जो लोग भगवान कल्कि के लिए मास लेवल पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाके लोगों को बता रहे हैं कि कलयुग लाखों सालों का नहीं है और भगवान कल्कि बहुत जल्द हम सबके सामने प्रकट होने वाले हैं। जो चश्मा है लाखों सालों का, उसको हटाने का बहुत मतलब बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में पहले जो हमारे गेस्ट हैं अंकिता शर्मा जी, तो इनसे जानेंगे कौन है ये, कहाँ से हैं ये, मेनली इन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन है इनके गुरु जिनसे इंस्पायर होकर ये सारे काम कर रही हैं, कल के भगवान के लिए इतने मास लेवल पे अवेयरनेस फैला रही हैं। अंकिता शर्मा हूँ और मैं वैदिक प्रचारक हूँ और मेरे गुरु प्रशांत त्रिवेदी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं ये काम करती हूँ। और एक्चुअली मैं 5-6 साल जंगल में रहकर आई हूँ वैदिक अध्ययन करने के लिए। वहां पे मैं रहती थी उनके गाइडेंस के अंदर। एक्चुअली मेरी आवाज गूंज रही है थोड़ी सी, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी है पर सही है। ठीक है, अच्छा। तो मैं 6 साल वैदिक अध्ययन करके आई थी वहां उनके गाइडेंस के अंदर। तो उनके आज्ञा के अनुसार मैं लोगों में ये ज्ञान बांट रही हूँ, ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो समय है ये युग परिवर्तन का है और अब काल के अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि यही मेरे गुरु का आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। हम भी चैनल से यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा सके। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो बस कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप उसका आंसर कीजिएगा जो हमारे जानना चाहते हैं लोग। वैष्णवी जी पूछती हैं कि कल के अवतार आएंगे ये हम जानते हैं, पर वो कब तक प्रकट होंगे? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को है। बात क्या है कि अभी कल की अवतार इस धरती पर आ चुके हैं, ठीक है? और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि वो कौन है जी, हाँ, बट अधिकांश लोग इस दुनिया में नहीं जानते कि वो कौन है, ठीक है? कि वो तो वो बात ये है कि वो मासेस जो है, जो जनता है, उसके सामने अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। सब नहीं जानते कि वो कौन है, बट कुछ लोग हैं वो जानते हैं वो कौन है। और बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रकट कब होंगे। हमें ये नहीं इसकी आशा नहीं लेके बैठनी चाहिए कि वो प्रकट कब होंगे, क्योंकि बात ये है कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उनके साथ हम उनको पहचान पाएंगे या नहीं, ये समस्या है। क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो कल की अवतार को पहचान भी नहीं पाएंगे अगर वो उनके सामने प्रकट हो भी गए, क्योंकि उनको तैयारी नहीं है वैदिक जो कल की अवतार है उनको पहचानने की। ये सिर्फ पहला भाग ही था इस इंटरव्यू का, इसके अलावा और भी कई पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें कई ऐसी आपको बातें पता चलने वाली हैं जो कि बिल्कुल नई होगी, जो कि बिल्कुल हटके होगी, जो किसी ने पहले आपको नहीं बताई है। इसके अलावा कली कैसे प्रकट होगा, क्या कली की क्वालिटीज़ है, मेनली कली ने ये आखिर जाल बुना तो बुना कैसे, आज के जो धर्म हैं वो सारे किससे रिलेट करते हैं, सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे आपको अगले भाग में। तो इसके अलावा अंकिता शर्मा जी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जय श्री कल्कि अवतार, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए जरूर से चेकआउट कीजिए और बिल्कुल उसे सपोर्ट दिखाइए। तो और भी कई सारे भाग आने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। पूरा चैनल भगवान कल्कि, युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड है, तो जरूर से इससे जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।